पहलगांव की फीलिंग आ रही है ऑल दो, बट ये कश्मीर नहीं है, ये कोलकाता का न्यू टाउन है, ये कोई हाउस बोट नहीं है। सो आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी ये जगह, क्योंकि ये जगह वीडियो करने के लिए आई थिंक बेस्ट है, कॉज इसका एमबी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और आज का वेदर टॉप क्लास, तो सब कुछ कॉम्बो मिला के बहुत अच्छा जा रहा है मेरा आज का दिन। और यहाँ पर आज फुल डे बिताने का प्लान है, फिर यहाँ से कहाँ नहीं पता, एज यूजुअल नहीं पता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अमेरिका की दुनिया। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आप लोगों के सामने हूँ विद अ न्यू फ्रेश वीडियो। आई वॉज अ बिट बिजी विद माई एग्जाम्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट नाउ आई एम फ्री बर्ड। जाना घूमना तो बनता है, और घूमना अगर बनता है तो आप लोगों के साथ वो शेयर करना भी ऑब्वियसली बनता है। मैं आज आ चुकी हूँ थोड़ा सा हैंग आउट करने विद माई फैमिली, और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत रिलैक्स्ड हूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और मैं आ चुकी हूँ कहाँ पर, तो आज हम लोग निकल पड़े थे एंड कहाँ जाएंगे ये सोचते सोचते एक लॉन्ग ड्राइव पे आके हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी विल गो टू न्यू टाउन। और न्यू टाउन मेरा बहुत ही दिल के करीब की जगह है, आप लोगों को पहले भी बताया, मैं पहले भी कॉफ़ी हाउस आई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो न्यू टाउन से मेरा काफ़ी क्या कहते हैं दिल का रिश्ता। कोविड के कारण से बहुत दिनों तक यहाँ तक नहीं आई हूँ, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड माई वन ऑफ द फेवरेट प्लेस। और देखो मैं अभी से बहुत बक 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 स्टार्ट कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करना है, यहाँ का व्यू, यहाँ का फूड, मैं क्या ऑर्डर कर रही हूँ, क्योंकि आज बहुत सारा प्लान है और बहुत घूमने का भी प्लान है। और यहाँ पे देखो पूरा पानी पानी हो गई मैं, बादशाह की गाने की कमी है। ठीक है, आई विल मेक सम इंस्टाग्राम रील्स, और अगर आप लोग मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हो, सो डू चेक आउट अमेरिका की दुनिया इन इंस्टाग्राम एज वेल, ताकि आप लोग मेरी बहुत खूबसूरत सी एंड बहुत क्रिएटिव कुछ रील्स देख पाए। Yeah.
बहुत अच्छी लग रही है एंड अगर अच्छी लगे सो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना एंड लाइक ज़रूर करना। एंड यहीं पे जर्नी ख़त्म नहीं है बाय द वे, और बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है, और पता नहीं आज एक बहुत अच्छी मिक्स्ड फीलिंग हो रही है, पता नहीं इतने दिनों के बाद कैमरे के सामने आके आप लोगों से बातें करके और इतनी खूबसूरत जगह पे आके एक नया स्टार्ट करना, आई थिंक इट्स वेरी रिफ्रेशिंग एंड आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल एज वेल। तो कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं, लगता है कि उसको ऐसे हाथों में पकड़ के रखूँ, लगता है उन पलों को कभी जाने ना दूँ। तो उन पलों में से आज का पल आई थिंक एक है जिस पल को मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वह चला जाए, लग रहा है कि ऐसे ही इस पल को मैं खींच के पकड़ के रखूं और क्लॉक को बंद कर दूं कि नहीं समय आज यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि मैं चाहती कि आज का दिन बस ख़त्म ना हो। सो बट एनीवेज टाइम मूव्स एंड टाइम गोज ऑन, टाइम इज अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन किसने सोचा था कि इतना अच्छा खूबसूरत एक दिन आज मुझे मिलने वाली है, और देखते हैं आगे क्या करना है। पहले तो अभी हम इस सुंदर सी माहौल को एंजॉय करेंगे पहले, और उसके साथ साथ आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करोगे। सो कम